Now, children, let's move on to chapter number 11, and the name is Indian Succeedings and Leadings. In today's era, where most of the world lives on technology, आज के time में क्या है? इस पूरी दुनिया ज़्यादातर जो लोग हैं, वो technology पे depend हो जाते हैं. The habit of reading books, magazines, newspaper has sublimed to a significant level. So ये जो book reading की जो habit है, वो एक लेवल से कम हो चुकी है. पीपल इन इंडिया मैनेज टू कीप द स्पिरिट ऑफ रीडिंग अलाइव. अब जो इंडिया के जो लोग हैं, वो इस रीडिंग स्पिरिट को जिंदा रखना चाहते हैं. एंड हैज द हाईएस्ट रीडिंग रेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अगर पूरी दुनिया से कंपेयर किया जाए, तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग रीड करते हैं. लेट्स सी इन व्हाट एरियाज इन इंडिया सक्सीडिंग एंड इज इंडिया सक्सीडिंग एंड लीडिंग. तो चलिए देखते हैं इंडिया जो किस एरियाज में आगे बढ़ रही है और लीड कर रही है. तो पहला देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड. इंडिया में पूरे वर्ल्ड को में कंपेयर करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज आपको मिलेंगे, जहां पे आप जाके पोस्ट कर सकते हैं. इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ यंग एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन. सो इंडिया में सबसे ज्यादा यंग एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है. इन द नेक्स्ट 5 इयर्स अप टू 25% ऑफ वर्ल्ड्स न्यू एम्प्लॉयज विल बी इंडियंस. अब अगर हम आगे की 5 सालों की बात करें, तो 25% जो है लोग और तैयार हो जाएंगे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का. India is the only country other than US and Japan to have built the supercomputer indigenously. So India ही एक ऐसी country है जिसने क्या किया, जो USA और Japan के अलावा एक ऐसी country है जिसने supercomputers को develop किया है. India is the second largest producer of wheat, rice, sugar and groundnut. India जो second largest producer है इन सारी चीजों के. India is the world's fourth largest wind power user. India जो है पूरी दुनिया में fourth largest wind power user है, means wind energy को use करती है. Indian Army's special forces unit called para commandos are considered among the best in the world. So यहाँ पे Indian Army की बात हो रही है. यहाँ पे जो special forces है वो पूरी वर्ल्ड में बेस्ट फोर्सेस में से आते हैं. इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है उसमें जो मिलिट्री फोर्स है वो फोर्थ लार्जेस्ट है. इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड. इंडिया में जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो. द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड इज द इंडियन आर्म्ड फोर्स. सो इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है सबसे बड़ी क्या है, एम्प्लॉयर है, मीन्स ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है पूरे दुनिया में. एम्प्लॉइंग ओवर अ मिलियन ऑफ पीपल, जहां पे इंडियन आर्म्ड फोर्स में हजारों लोग, मिलियंस ऑफ लोग एम्प्लॉयड हैं. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है पूरी दुनिया में. तो क्या आप भी इंग्लिश बोलते हो? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. इंडिया जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है मिल्क. कैश्यू नट्स, काजू, कोकोनट्स, जिंजर मीन्स अदरक, टर्मरिक मीन्स हल्दी एंड ब्लैक पेपर मीन्स काले मिर्च. तो इन सारी चीजों को सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है. चिल्ड्रन, डू यू नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? आपको क्या पता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में? Which means that India is a democratic country. इसका मतलब है कि इंडिया एक democratic country है with the largest population in the whole world. जिसकी जो population है सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में. A democracy refers to a system of government where the citizens exercise power by voting. ये democracy जो है ये क्या होती है? ये एक ऐसे system of government की जहाँ पे जो citizens हैं वो exercise करते हैं वोटिंग पावर को. मींस यहाँ पे लोग वोट करते हैं अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज आई है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया. चिल्ड्रन, आई होप यू एंजॉयड रीडिंग इट.